गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इनइक्विटीज, अभी तक तो मोस्टली हमारी लाइफ में जो रही है ना वो रही है इक्वलिटीज। इक्वलिटीज तो बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वलिटीज मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्चुअल में बराबर है। इनइक्वलिटीज ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये या फिर इस तरह का सिंबल मिलेगा। इस सिंबल को कई बार ए ग्रेटर देन बी बोला जाता है, इसको ए लेस देन बी, इसे ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इसे ए लेस देन और इक्वल्स टू बी। यानी कि ए और बी बराबर नहीं है, ए वास्तव में बी से बड़ा है, ए वास्तव में बी से छोटा है, ए वास्तव में बी से, सुनाई नहीं दिया, या फिर बराबर भी हो सकता है, ए वास्तव में बी से छोटा या फिर बराबर है। ठीक, तो ये सारी चीजें तो हुई इनइक्वलिटी। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ इनइक्वलिटीज की, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन बी, भाई ए कोई नंबर है जो कि बी से बड़ा है, एंड मंकी कोई रियल नंबर है, मंकी कोई रियल नंबर है, दैट इंप्लाइज ए प्लस एम विल बी ग्रेटर देन बी प्लस एम। ये तो बात हुई इक्वलिटी से सिमिलरिटी की। ढंग से समझना, मेरे पास दो तरह के रिलेशन है अभी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एक इक्वलिटी जो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, एक इनइक्वलिटी जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इक्वलिटी, जैसे मान लीजिए एक्स जो है वो थ्री के बराबर है, क्या इस इक्वेशन में दोनों साइड फोर ऐड किया जा सकता है? बचपन से करते आए भाई, मैं किसी भी इक्वलिटी के दोनों तरफ कोई भी रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्लियर है? वैसे ही मैं देखा कि मैं इनइक्वलिटी में भी, इनइक्वलिटी में भी कोई भी रियल नंबर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने खोपचा बनाया, साथ के साथ इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ में स्टेट में खोपचा बना दिया, 5 ग्रेटर देन 3, ट्रू फॉल्स? अरे ट्रू फॉल्स, ये वाला रिश्ता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं इनइक्वलिटी के, दिस इज इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी के दोनों भी तरफ कोई भी रियल नंबर, सेम रियल नंबर ऐड कर सकता हूं जैसा मैं इक्वलिटी में कर सकता था। सपोज मैं दोनों साइड 3 ऐड करने का सोचूं, इधर अगर मैंने 3 ऐड किया तो कितना मिलेगा? 8। इधर कितना मिलेगा? 6। क्या इनइक्वलिटी का रिश्ता होल्ड कर रहा है? यस, द रिलेशन ऑफ इनइक्वलिटी होल्ड्स गुड अब तक, सही बात है? यानी कि इनइक्वलिटी के भी दोनों साइड कोई भी रियल नंबर ऐड किया जा सकता है। अच्छा, ऐड करने वाली बात जब आ जाती है ना तो सब्ट्रैक्ट करने वाली बात ऑब्वियस है। अरे यार मंकी मान लो नेगेटिव हो गया तो ये अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगी चीज। अरे मंकी अगर -2 हो गया तो दोनों तरफ से -2 मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना एक तरह से, तो ऐड वाले के साथ माइनस वाली चीज अपने आप आ जाती, तो उसे अलग से नहीं लिख रहा मैं, ठीक है क्या? चलिए सेकंड, अगर मुझे याद हो जैसे इक्वलिटी है एक्स इज इक्वल टू 3, क्या दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या दोनों साइड -2 मल्टीप्लाई किया जा सकता है? हाँ, इक्वलिटी के दोनों तरफ में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर सकता था, कोई भी रियल नंबर। अच्छा, लेकिन इनइक्वलिटी में कोई दिक्कत है, देखना ध्यान से। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड मंकी बिलोंग्स टू आर प्लस, आर प्लस का क्या मतलब है? ओनली पॉजिटिव रियल, ओनली पॉजिटिव रियल, यानी कि 0 से बड़े, 0 से छोटे, या 0 इंक्लूडिंग, 0 से बड़े, 0 इंक्लूड नहीं है, तो मंकी बिलोंग्स टू आर प्लस। मंकी अगर पॉजिटिव रियल है, मंकी अगर
पॉजिटिव रियल है, दोनों साइड इनइक्वलिटी का साइन बदले बिना मल्टीप्लाई किया जा सकता है. इनइक्वलिटी का साइन बदले बिना दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है. जैसे 5 ग्रेटर देन 3, अगर मैंने दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, हाफ, तो 5 का 5 का तो क्या बनेगा, 5/2. 3 का क्या बनेगा, 3/2. 5/2 अभी भी 3/2 से बड़ा है या नहीं है, है नहीं है, है या नहीं है, है. 5/2 आज भी 3/2 से बड़ा है, यानी कि इनइक्वलिटी का रिश्ता जो है वो अभी भी होल्ड कर रहा है. am greater than bm. अगर मंकी पॉजिटिव है तो अच्छा, सपोज a greater than b एंड नलायक बिलोंग्स टू r माइनस. नलायक कोई नंबर है जो कि कैसा है, नेगेटिव है. r माइनस मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, सही है. अगर मैंने इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करा तो a में मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा an, b में मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा bn. लोगों ने बोला इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है. इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, जबकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी के साइन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता. सपोज इसके अंदर मैंने -2 से मल्टीप्लाई करने का डिसाइड किया, नेगेटिव नंबर है -2, 5 into -2 -10, 3 into -2 -6, दोनों में से बड़ा कौन, बड़ा कौन है, माइनस. इनइक्वलिटी का साइन पलट गया अपने, नेगेटिव रियल से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है. क्या ठीक है साहब. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आगरा ग्रेटर देन बॉम्बे ग्रेटर देन 0, इफ आगरा ग्रेटर देन बॉम्बे ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन 0 क्या मतलब है भाई, दोनों ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा, यानी कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है. नहीं समझ में, ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा, यानी कि बी तो पॉजिटिव है ही, और चूंकि ए बी से बड़ा इसलिए ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव भी है. क्लियर है क्या? This implies 1/a <less than 1/b. This implies 1/a <less than 1/b. अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या a greater than b, ठीक है, 5/3 से बड़ा है. अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, बड़ा कौन, 1/3. अरे भाई साहब, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए, ये तो बचपन में पढ़ा है भाई. जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा हो नंबर उतना बड़ा, तो 1/3 और 1/5 में से 1/3 बड़ा है, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ, इनइक्वलिटी के साइन पलट गए. इनइक्वलिटी के दोनों साइड के नंबर अगर पॉजिटिव लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, पॉजिटिव, तो उन्हें रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है. समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो क्या, अच्छा ठीक है साहब. फोर्थ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, आगरा बॉम्बे से बड़ा है, बॉम्बे पॉजिटिव है, वो वाली बात हो गई, दोनों पॉजिटिव है फिर से. एंड एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, आर प्लस मतलब है पॉजिटिव रियल है. एक्स, एक्स फिर से कैसा है, पॉजिटिव रियल है. नेसेसरीली इंप्लाइज, दिस नेसेसरीली इंप्लाई ए रेस टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर देन बी रेस टू दी पावर एक्स. ये बहुत प्यारी चीज है. क्या है भैया, आगरा बॉम्बे से बड़ा है भाई, ए कोई नंबर है जैसे 5 है, वो 3 से बड़ा है, और दोनों साइड कैसी है,
दोनों साइड कैसी है? अरे ग्रेटर देन जीरो है ना भाई, दोनों साइड कैसी है? पॉजिटिव है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो उस पे दोनों साइड अगर कोई पॉजिटिव पावर चढ़ाई जाए, कोई भी पॉजिटिव पावर, जौन सी भी आपको चढ़ानी है, जौन सी भी पॉजिटिव पावर आपको चढ़ानी है, इनइक्वलिटी का साइन जो है वो इंटैक्ट रहता है। क्या रहता है? इंटैक्ट रहता है। देखना, समझना ध्यान से। फाइव का मैंने स्क्वायर किया, क्या किया? स्क्वायर दोनों तरफ। ये चीज़ मैं इक्वलिटी में भी कर सकता था क्या? मैं इसके दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स की पावर 3 बराबर 27, रूट एक्स बराबर √3। इक्वलिटी में भी ये रिलेशन में अप्लाई कर सकता था। ये दिस इज सेम एज इक्वलिटी, ठीक है? ये इक्वलिटी के बराबर, इक्वलिटी से सेम नहीं है, इसमें नहीं है इनइक्वलिटी। अरे इक्वलिटी में मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। एक्स अगर 3 के बराबर है तो 1/x किसके बराबर है? 1/3। तो कुछ चीज़ें इक्वलिटी जैसी है, कुछ चीज़ें इक्वलिटी जैसी नहीं है। जैसे ये इक्वलिटी में दोनों साइड रियल नंबर ऐड किया जा सकता है, इनइक्वलिटी में भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाई इक्वलिटी में किया जा सकता है, इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते वक्त जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके साइन के बारे में पता होना जरूरी है। कुछ कंस्टेंट हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं। मैं इनइक्वलिटी में दोनों साइड सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे उसके साइन का पता होना जरूरी है। अगर वो पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। समझ रहे हो? इक्वलिटी में मैं आसानी से दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकता था, लेकिन इनइक्वलिटी में रेसिप्रोकल करते वक्त इनइक्वलिटी के साइन पलट जाते हैं, बशर्ते इनइक्वलिटी के दोनों साइड की चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इनइक्वलिटी की दोनों साइड पॉजिटिव हैं, जैसे इक्वलिटी में मैं दोनों तरफ कोई भी पावर चढ़ा सकता था, मैं इक्वलिटी के दोनों तरफ कोई भी पावर चढ़ा सकता हूँ, मैं इस समय यहाँ पे जौन सी मेरी इच्छा हो वौन सी पावर चढ़ा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन इनइक्वलिटी में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। इनइक्वलिटी की दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल पावर चढ़ाने पर इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मास्टर तूने तो स्क्वायर किया, साले तो स्क्वायर रूट लेके दिखा। स्क्वायर किया, इनइक्वलिटी का साइन सेम है, 25 9 से बड़ा होता है। अगर मैं स्क्वायर रूट लेके देखूं, क्या लेके देखूं? स्क्वायर रूट। लो साहब, 5 का स्क्वायर रूट, रूट 5 की वैल्यू 2.2 टाइप्स, 2.2 टाइप्स। 3 का स्क्वायर रूट, रूट 3, 1.732। इनइक्वलिटी का साइन आज भी मेंटेन है। इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, ये जो चीज है ना, इसी के साथ लिख सकते हैं आप। दूसरा दूसरा पॉइंट नहीं है, इसी के साथ, इसके नीचे, जैसे अपन ने यहां लिखा था ना, इसके नीचे वैसे ही। फोर्थ में ही है, एंड इफ वाई बिलोंग्स टू आर माइनस, इसी में ही है, इसके नीचे ही, जैसे हमने यहां पे लिखा था सेकंड में वैसे ही। y बिलोंग्स टू r माइनस, मतलब बात क्या हुई? बात यह हुई कि इनइक्वलिटी के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव रियल पावर चढ़ाई जाए, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव रियल पावर चढ़ाई जाए तब तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है, और अगर नेगेटिव रियल पावर चढ़ाई जाए तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। ये कुछ कुछ लोगों को तो इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि उन्हें तीसरा समझ में आ गया। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वलिटीज की, जो कि ऑब्वियस चीजें होती है। मैं तो जबरदस्ती लिखा रहा हूँ, लिखाते भी नहीं कई जगह। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप 5 > 3 के एग्जाम्पल लेके समझ जाएंगे सारे। अगर इस 5 > 3 पे मैं कोई नेगेटिव पावर चढ़ाऊँ दोनों साइड, नेगेटिव पावर मतलब जैसे -1 ही चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो? -1, 5 की पावर -1, इसी जगह पहुंचेंगे। अरे तो ये चीज तो हम थर्ड में सीख चुके। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं किसी चीज को, अरे नेगेटिव पावर चढ़ाने का क्या मतलब हुआ? नीचे ले जाके आपने पॉजिटिव पावर चढ़ा दी, आपने नीचे ले जाके पॉजिटिव पावर चढ़ा दी। तो बात तो वही है, बात तो अल्टीमेटली यही वाली है। नेगेटिव पावर चढ़ाने का मतलब हुआ कि आपने नीचे ले जाके पॉजिटिव पावर चढ़ा दी। तो जैसे ही आप नीचे ले गए तो इनइक्वलिटी का साइन तो तभी चेंज हो गया था, जब आपने रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज हो गया, फिर आपने पॉजिटिव पावर चढ़ा दी तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पॉजिटिव पावर चढ़ाने पे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क
नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव पावर चढ़ाई तो किया क्या आपने, आपने रेसिप्रोकल करके पावर चढ़ाई, तो रेसिप्रोकल करने पे न्यूक्लियरिटी का साइन चेंज हो जाता है। नहीं समझ आ रहा? अगर इस पे दोनों साइड -2 पावर चढ़ाऊं कितनी पावर, तो 5 की पावर -2 इज 1/25 और इसकी 1/9, दोनों में से कौन बड़ा, 1/9 बड़ा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। नहीं चमक रहा पता? अच्छा ठीक है साहब। फिफ्थ, इफ a1 greater than b1, a2 greater than b2, a3 greater than b3 and so on, an greater than bn। कुछ तो आपको 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। ये जैसे ऐसे an greater than bn लिख देते ना, तो मतलब n इनइक्वालिटीज गिवन है। मुझे n का नंबर नहीं पता, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, अब n का जितना नंबर है उतनी इनइक्वालिटीज गिवन। तो कभी कभी आजकल एक्चुअली के फैशन में चल रहा है, इतने सारे लिखने के बजाय लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी इन्हें इन शॉर्ट भी लिख देते हैं। देखना, इन शॉर्ट समवन मे राइट ai greater than bi, ai greater than, और अगर वो बहुत ही ज्यादा शरीफ होगा ना, बहुत ही मतलब पराकाष्ठा हो गई भाई शराफत्ता की, पराकाष्ठा समझते हो, मतलब पराकाष्ठा मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना शरीफ तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता, पराकाष्ठा अपर लिमिट भी क्रॉस कर दी किसी ने शराफत की, तो वो नीचे लिख देगा for i = 1, 2, 3, जिससे आपको क्या समझने में आसानी हो जाएगी कि भैया ये आई कौन, 1, 2, 3, 1 रखोगे पहला रिश्ता बनेगा, 2 रखोगे दूसरा रिश्ता बनेगा, 3 रखोगे ये बनेगा, n रखोगे ये बनेगा। समझ गए? मैंने फिर कह दिया वापस आपको, बहुत शरीफ इंसान होगा तो ये लिखेगा, नहीं तो ये ऑब्वियस है, नहीं तो ये चीज ऑब्वियस है। नॉर्मली ये चीज आई कहां से कहां तक जा रहा है, ये सिर्फ तब लिखता है इंसान जब आई लिमिटेड तक जा रहा हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 10, अगर वो n तक जा रहा होगा तो वो नहीं लिखेगा, अपने से अज्यूम करना है, क्योंकि n एक ऐसी चीज है जो कि मैथ में हम खुद मान सकते हैं कि भैया एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए, कितनी डिजिट माननी है, n नंबर मान लो। ये तो सुना हुआ लग रहा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी नहीं सुना कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सुना हुआ नाम तो सुना हुआ होगा भाई, समानांतर श्रेणी सुना है, समानांतर श्रेणी जबरदस्ती एपी सुना है तूने, गुलाबचंद गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक। for i = 1, 2, 3 up to n, तो भाई साहब लोगों ने ये कहा कि अगर आपको इतनी सारी इनइक्वालिटीज गिवन है, इतनी सारी इनइक्वालिटीज अगर आपको गिवन है तो आप क्या है इन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग इक्वलिटीज को ऐड कर लेते थे ना, जैसे x = 3 है मान लो, तो y = 5 है, तो x + y = 8, सिंपल, दो इक्वलिटीज दी हुई ऐड कर, वैसे सेम इनइक्वलिटीज को भी ऐड किया जा सकता है। जैसे 5 greater than 3 है और -7 greater than -10 है, गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया क्या भाई, सही लिखा है ना, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, ऐसा समाज कह रहा है। 5 - 7 - 2, 3 - 7 - 7, इनइक्वलिटी का रिश्ता ट्रू है, यस बिल्कुल ट्रू। तो इनइक्वलिटीज इस तरीके से ऐड करी जा सकती है, कितनी भी, अभी मैंने 2 लिए, आप 10 लेके भी ऐड कर सकते हो, तो इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिल गया भाई, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, a1 + a2 + a3 + an is greater than b1 + b2 + b3 + bn। समझ रहे हो? कभी कभी फिर से वही वाली बात है, इंसान जब शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता है, इसको भी शॉर्ट में लिख सकता है भाई, देखना ऐसे, ये जो साइन होता है, दिस साइन इज नोन एज समेशन, तो आजकल लोग बोलने लग गए, हाँ पुराने लोग तो सिग्मा बोलते, सिग्मा सिग्मा सेज एडिशन,
किनका एडिशन भाई? ए आई का एडिशन. किनका एडिशन? ए आई का. फिर से वही वाली बात, इंसान बहुत शरीफ है तो यहां लिखेगा आई वन से एन तक जा रहा है, नहीं तो नहीं लिखता. ऑब्वियस है कि आई जो वन से लेके एन तक जाए. किससे बड़ा है भाई? सिग्मा. किससे? बी आई से. वेयर आई इज डांसिंग फ्रॉम वन टू एन. बेसिकली ये पूरा लिखा हुआ है ब्लैक में और ये हमने शॉर्ट में लिख दिया. इंक बचाओ मेथड कहते हैं हम लोग इसे. इंक बचाओ मेथड. तुम्हारे लिए मेहनत बचाओ मेथड. यार तुम कहां दुख. हाँ जी साहब, कौन सा था ये? फिफ्थ. ठीक है साहब. सिक्स्थ. इफ ए वन ग्रेटर देन बी वन ग्रेटर देन जीरो एंड सो ऑन अप टू ए एन ग्रेटर देन बी एन ग्रेटर देन जीरो. फिर से वही सेम. मुझे कुछ तो 10 15 20 25 50 इनइक्वालिटीज दी हैं. फिफ्थ में मेरे साथ यही हुआ था, सिक्स्थ में मेरे साथ यही हुआ, लेकिन कुछ अंतर है. फिफ्थ में मैंने इस बात की कोई कंडीशन नहीं डाली थी कि इनइक्वालिटी की दोनों साइड की चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन सिक्स में डाल रहा हूं. सिक्स यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इनइक्वालिटी की दोनों साइड की चीजें कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. जोड़ तो सकते हैं, जोड़ना तो एक एक्चुअली क्या नॉर्मल प्रोसीजर है. मल्टीप्लाई करने में समस्या होती है. अगर ये दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं, यानी कि सब चीजें पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान देना एक मिनट. स्टार. आई कैन मल्टीप्लाई ऑल द इनइक्वालिटीज. ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन तक का मल्टीप्लीकेशन, बी वन बी टू बी थ्री बी एन तक के मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होता है. आप कितनी भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे फाइव ग्रेटर देन थ्री, हाफ ग्रेटर देन वन बाय फोर. बता देना कि कुछ गलती ना हो जाए. हाफ ग्रेटर देन वन बाय फोर सही है ना? अच्छा. टेन ग्रेटर देन टू. तीन इनइक्वालिटीज ले ली मैंने, ठीक है. इन तीनों इनइक्वालिटीज में सारी साइड्स पॉजिटिव है. ये वाली चीज ये बोलती है कि आप लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड, सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर भी ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये मेंटेन रहेगा. ट्राई कर लेते हैं भाई. 25 थ्री बटा दो डेढ़ है ना? 25 डेढ़ से बड़ा है. यस. इनइक्वालिटी का जो आप कितने भी ले लीजिए भले ही, ठीक है. अच्छा सुनो, इसको भी इंक बचाओ मेथड में लिख सकते हैं लोग. आगे ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोडक्ट है. यहां पे क्या था? कंटिन्यूस समेशन था. समेशन साइन को रिप्रेजेंट किया जा, समेशन को मतलब एडिशन, सॉरी कंटिन्यूस एडिशन था. एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ सिंबल ऑफ सिग्मा और समेशन, जो भी आप उसे बोले. मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव सिंबल ऑफ पाई. ये वो 3.14 वाला पाई नहीं है, इसे बोलते हैं कैपिटल पाई. अरे वो तो आपका ये होता है. मास्टर आईटीन है तुम्हारा? तुम्हारा मास्टर अब तक थोड़ी आईटीन था, फर्क है भाई. ये वाला जो पाई है इसे बोलते हैं स्मॉल पाई, जिसे आप लोग 3.14 के नाम से जानते हैं. एन इरेशनल नंबर है ना ये. दिस इज कैपिटल पाई. कैपिटल पाई इंडिकेट्स कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन. कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन. इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया भैया? ए आई डाल दिया, ठीक है. इस शुड बी ग्रेटर देन फाई बी आई. जैसा कि मैंने अभी आपको वहां पे भी कहा था, इंसान शरीफ. अभी क्या शुरुआत है ना, तो इसलिए हम शरीफ है, समझ रहे हो श्रेयान जी? तो जब तक हम शरीफ है तब तक तो लिख लें. आई इज डांसिंग फ्रॉम वन टू एन. आई इज डांसिंग फ्रॉम वन टू एन. भाई कहते हैं तो कहते हैं ना, मेरी शक्ल देखने से कुछ होगा तो है नहीं, बदल तो जाएगा नहीं. उसे कहते हैं तो कहते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो करते हैं. मैं क्या कर सकता हूं इसमें? मैं तो आपको सिंबल बता रहा हूं. रिलेशंस विच इन्वॉल्व्स इक्वलिटीज. रिलेशंस विच इन्वॉल्व्स
इक्वलिटीज आर कॉल्ड इक्वेशंस. अभी तक तो हमारी जिंदगी में क्या आई है, इक्वेशंस आई है. इक्वेशंस मतलब 2x + 5 इज इक्वल्स टू 3. सबसे पहली इक्वेशन लाइफ की. क्यों श्रेयान जी क्या बोलते हो, नहीं क्या सॉल्यूशन बोल. थ्री माइनस फाइव अपॉन टू क्या करूं उसका, माइनस वन बोलो ना सीधा पागल जैसे कर. माइनस वन, अब तो आंखों आंखों में ही सॉल्यूशन आ जाते हैं वैसे, अच्छे लोगों की बात करें तो. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन माइनस वन. ये इक्वलिटी इन्वॉल्व करती है आंसर, मतलब इसको रिश्ते को क्या बोलते हैं, इक्वेशन. रिलेशंस इन्वॉल्व्स इनइक्वेशंस, इनइक्वलिटी सॉरी, रिलेशंस इन्वॉल्व इनइक्वलिटीज आर कॉल्ड इनइक्वेशन. दिस इज इनइक्वेशन. इक्वेशन हो चाहे इनइक्वेशन हो, अगर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन है. ठीक है, इक्वेशन के केस में मैंने देखा फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं. इन केस ऑफ इक्वेशंस वी गेट फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. लीनियर है तो एक मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो दो मिलेंगे, क्यूबिक है तो तीन मिलेगा, एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन इन इक्वेशन की स्टोरी थोड़ी सी अलग है. ये जैसे इन इक्वेशन है, ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है एक्चुअली. कोई भी रिलेशन क्या बोलता है भाई, एक्स की वो सॉरी वैल्यूज आंसर है जो उस रिश्ते को सेटिस्फाई करे. एक्स की वो सारी वैल्यूज आंसर है जो उस रिश्ते को सेटिस्फाई करे. सीधी सी बात है. ठीक है, अब मेरे पास तो बक्सा है, आई ऑलवेज कीप माई बक्सा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी. सामान पड़ा है बहुत सारा भाई साहब, ये कौन है, एक्स की वैल्यूज है. एक्स की वो मैक्सिमम सेट है जितना मैं ठोक सकता हूँ इसके अंदर. ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि उठा उठा के ठोकते जाओ, झुक झुक, जीरो उठाया इसमें 60, हाँ होल्ड करता है. नहीं समझ में आ रहा है? अब हम साला इतने कमीने और आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि हम जीरो के ध्वनि उठाएंगे, आधे का तो ख्याल ही नहीं आता. आधा मतलब 0.5, उसका तो ख्याल, उसकी भी जिंदगी भाई, कोई मतलब नहीं है भाई साहब. जीरो के ध्वन उठाया, बन उठाया, धड़ाम, होल्ड ट्रू. सही है, माइनस वन का तो पता नहीं सोचा भी था कि नहीं सोचा था. नेगेटिव में कौन सोचेगा, पागल थोड़ी. सबसे पहले जीरो उठाया, ठोका वन, ठोका टू, सब सब साला सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब आंसर है इसका मतलब. समझ रहे हो क्या, यहां पे एक समस्या आई इंसान के पास कि इन इक्वेशन का आंसर कैसे दे. ऐसे ठोक ठोक के तो निकाल नहीं सकते, से जीरो वन टू तो जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी. एहसास हो जाता कई लोगों को, 10 तक ठोकते ठोकते भाई साहब बहुत मुश्किल है, कहां तक रखेंगे, है ना. तो इसके इनके आंसर देने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बताओ, अब तक तो बता दो भाई. अभी तक नहीं बोल रहे भाई, अभी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है. इंटरवेल्स, हिंदी में अंतराल. इंटरवेल्स, कुछ इंटरवेल्स दिए गए. अब इंटरवेल्स का मतलब समझते हैं अच्छे से, बिल्कुल तमीज से. फर्स्ट इंटरवेल लिखिए भाई, ओपन इंटरवेल, ओपन इंटरवेल. अब जिंदगी चालू हो गई हमारी. लॉग वॉग तो क्या सिंपल चैप्टर थे, मजाक चल रहा था. अब जिंदगी चालू हुई है हमारी. वेलकम टू द फील्ड ऑफ आईआईटी. ओपन इंटरवल, सबसे पहला सिंबॉल. जो सिंबॉल यूज होता है ओपन इंटरवल को इंडिकेट करने के लिए, क्या बोलते हैं आप लोग इसे, ब्रैकेट बोलते हो आप साला, क्या बोलते हैं इन्हें, बड़े लोग इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं. पैरेंथेसिस नहीं सुना तूने कभी,
इसने श्रेयांश ने सुना होगा, तो अच्छी स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो सुनना भी तो चाहिए ना। स्कूल अच्छी होने से क्या होता है, उसमें उसमें बैठ क्लास में बैठ के कोई सुना तब तो पता होगा, पेरेंट्स नहीं बोलते इसे, तो मेरे को कोई गलत तो नहीं पता। मेरे को सर गलत पता होता, मुझे देखो, मैं देखो सुनो सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है सुबह उठ के जाप करो, हमारा मास्टर आईटेन है, हमारा मास्टर आईटेन, या तो मुझे पता ही नहीं होता, और पता होता है तो सही पता होता है, नहीं तो मैं खुद ही बोल देता मुझे डाउट है। पेरेंटेसिस बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, ये मुझे सरप्राइज है। देखो हम तो छोटा कोष्टक बोलते थे भाई साहब, छोटा कोष्टक बोलते थे, दिस इज छोटा कोष्टक, दिस इज मंजिला कोष्टक, एंड दिस इज बड़ा कोष्टक। मैं बता रहा हूं ना, हमारे जो बोलते थे छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक। फिर बड़ी मुश्किल से हमने इंग्लिश में सीखा, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, मतलब हिंदी की इंग्लिश करी ना भाई, इंग्लिश ऐसे ही सीखता है आदमी। फिर थोड़े और बड़े हुए तब जाके पता पड़ा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रेसेस, एंड दिस इज ओनली ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। सुनो तो, फिर जब वो ब्रैकेट्स वाली चीज पता पड़ी तब पता पड़ा कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस, ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस। नहीं ना भाई साहब, चुप रहे। हाँ अच्छा सुनो, इसका एक और सिंबल है ओपन ब्रैकेट का, ओपन इंटरवल का, दिस इज नॉट प्रिंटिंग मिस्टेक। ऐसा लगता है कि सैलरी उल्टा पलट पलट कर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, ओपन इंटरवल को डिनोट करने का एक तरीका है। है जो है, अब क्या कर सकते हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते ना, है जो है, ठीक है। चलो अब इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, मीनिंग, मीनिंग से एक्स, एक्स इज अ नंबर, ठीक है, एक्स एक नंबर है विच बिलोंग्स टू, दिस इज कॉल्ड ईदर बिलोंग्स टू और एप्सिलन, अपने जैसे देसी गवारों की भाषा में सीखना हो तो बिलोंग्स टू, ठीक है। और जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग, उनकी भाषा में एप्सिलन, स्पेलिंग भी नहीं आती भाई साहब मेरे को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एप्सिलन, शायद ये होगी, पता नहीं, शायद ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है, बट नहीं हो तो ऐसा गुस्सा नहीं करिएगा कोई। मीनिंग सेम है, मुद्दे की बात, बिलोंग्स टू, एक्स कौन है भाई, एक्स कोई नंबर है जो बिलोंग करता है किसको, एन ओपन इंटरवेल, बोलते कैसे वो समझ लो, एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवेल ए टू बी। एक्स जैसे कोई नंबर है, एक्स कोई रियल नंबर है जो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, नाम खुद ही बोल रहा है ना, एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवेल ए टू बी। मीनिंग क्या है भाई साहब इसका, इसका मीनिंग है, देखना ध्यान से, इसका मीनिंग है एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। सारी चीजें बता रहा हूं एकदम बिल्कुल तमीज से, ये इंटरवल फॉर्मेट में लिखने का तरीका, कभी कभी पैरेंथेसिस की जगह ये वाले ब्रैकेट्स भी यूज हो जाते हैं, मीनिंग सेम है, दोनों ओपन इंटरवल इंडिकेट करते हैं। इनइक्वलिटी मेथड में, इनइक्वलिटी फॉर्म में, अगर मैं इस चीज को ये इंटरवल फॉर्म में लिख के दिया मैंने, मैं इसे इनइक्वलिटी फॉर्म में लिखूं तो इसे ऐसे पढ़ा जाता है, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। हिंदी में एक्स एक ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, सही है, ठीक है। ये चीज अगर इंग्लिश में लिखी होगी तो ऐसे लिखी होगी, एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। हर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लिख के दिखा दूं। लास्ट में कुछ लोगों ने इसे बोला कि इसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताओ, ये भी एक एक्सरसाइज है बकायदा, पता नहीं किस में, कौन सी क्लास में, मेरे हिसाब से तो 11th में, बट शायद हो सकता है आप लोग बच्चों ने पढ़ चुके हो। इस वाली चीज को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना,
ये बहुत काम आता है इसलिए बता रहा हूं, ए प्लॉट किया बी प्लॉट किया, ठीक है। जैसे मान लो टू से फोर, तो टू प्लॉट किया फोर प्लॉट किया। ओपन इंटरवल को इंडिकेट करने का तरीका यह बनाया गया है, ए पे एक हॉलो सर्कल मार्क किया। हॉलो सर्कल का मीनिंग यह है कि यह पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। बी पर भी एक हॉलो सर्कल मार्क किया, यानी कि बी भी इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली करना क्या है, वो सारे नंबर लेने हैं जो ए और बी के बीच में है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरे को बोला x बिलोंग्स टू -1, 2, 3 ओपन, सुयान जी -1, 2, 3 ओपन। अब मेरे से किसी ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग x बिलोंग्स टू दिस फैमिली, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 करता है, इस परिवार का सदस्य है नहीं है, है। x बिलोंग्स टू -0.5 है नहीं है, है। x बिलोंग्स टू 2.99 है नहीं है, तो फिर तो अपने को समझ में आ रही है चीज। अगर 2.99 वाली चीज समझ में आई तो फिर आपको समझ में आ रहा है ना। लास्ट x इज इक्वल टू 3, ये नहीं है। इस इंटरवल में -1 और 3 के बीच के सारे नंबर हैं, लेकिन -1 और 3 एक्सक्लूडेड है। सही बात, ठीक। ये तो हुआ ओपन इंटरवल। अब सेकंड क्लोज इंटरवल, मेरे पास तो प्रिविलेज है, मैं तो प्रिविलेज यूज करूंगा, मैं थोड़ी कोई पूरा लिखूंगा भाई। आई तो है प्रिविलेज ना, नहीं सर सर नहीं करेगा कुछ भी, इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर। हाँ तो जल्दी छापो भाई, मैं रुकाऊं, ओपन तो खुद से लिख लोगे, ओपन वापस लिख के दिखाऊं। सिंबल, क्लोज ब्रैकेट का सिंबल बनाया गया है स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बड़ा कोष्टक, दैट इज यूज टू इंडिकेट क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन से एक्स इज अ नंबर विच बिलोंग्स टू और एप्सिलन क्लोज ए टू क्लोज बी, तो ये जो इंटरवल फॉर्मेट में चीज लिखी है ना, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए टू क्लोज बी, इसे इनइक्वालिटी फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं। किचिक। क्या डिफरेंस है भाई, ए और बी इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब अंतर क्या है, पहले मुझे ए और बी के बीच में भागना था, अब मैं ए पे खड़ा हूं और बी तक भागना है। x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a, यानी कि x a के बराबर भी हो सकता है, एंड x इज लेसर देन और इक्वल्स टू b, यानी कि a और b के बीच के तो सारे नंबर हैं ही, बीच के तो सारे नंबर हैं ही, a और b भी हैं, a और b भी हैं। अच्छा साहब, x इज लाइंग, देखो इंग्लिश में कितना अंतर है, बिटवीन वाले केस में सिर्फ बीच के लिए जाते हैं, लेकिन लाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, रियल नंबर लाइन पे जब इनकी प्लॉटिंग की बारी आई, रियल नंबर लाइन पे जब इनकी प्लॉटिंग की बारी आई, तो इस तरीके से डिनोट किया गया। ए पर सॉलिड सर्कल, पहले हमने बनाया था हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल इंडिकेट्स पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड,
सॉलिड सर्कल इंडिकेट्स पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. सॉलिड सर्कल का मतलब पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, हॉलो सर्कल का मतलब पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं. अगर इसी केस में ये जो नीचे दिया गया है, अगर इसमें ओपन की जगह क्लोज इंटरवल होता तो ऊपर वाले तो सारे अभी भी टिक हैं, थ्री भी टिक हो जाता. कुछ समझ में आया किसी को? सब निपट गए? पक्का? नाइस. आई स्टिल हैव प्रिविलेज, यू डू नॉट हैव. वो पहले वाले में करेक्शन करके चेंज नहीं करने भाई. दोबारा लिखा है ना? कोई भरोसा नहीं भाई मेरे को. सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ये तो समझ में आ ही गया होगा वैसे. सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, यानी एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये आपको खुद करना है. इसके ये सारे आपको खुद लिखने हैं. ये रहा आपके सामने एक इंटरवल बना दिया, एक साइड स्मॉल ब्रैकेट और एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट. बनाओ कंप्लीट इंटरवल फॉर्म, इनइक्वालिटी फॉर्म, रियल नंबर लाइन प्लॉटिंग. एक्स इज, इसको पढ़ के बताइए मिस्टर प्रांजल, प्रियांश जो भी नाम है, प्रांजल नाम है हाँ, पढ़ के बताइए इसको. जो भी आपने इनइक्वालिटी में लिखा होगा, इस वाली चीज को आपने अगर इनइक्वालिटी में लिखा है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? एंड बहुत बढ़िया. एक्स इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल्स टू बी. बी पे तो इक्वल भी हो सकता है ना, रियल नंबर. अच्छा, इसमें इंग्लिश में आप कुछ बोल ही नहीं सकते, सॉरी. नहीं, इसके लिए इंग्लिश है ही नहीं भाई साहब. सॉरी, इसके लिए कोई इंग्लिश नहीं बनाई गई है. हाँ, प्लॉटिंग करी क्या? ए पर हॉलो और बी पे सॉलिड. ए पर हॉलो, बी पर सॉलिड. इसमें अगर यहाँ पे इस तरीके से नंबर बनाए जाएं और यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और दिया जाए माइनस वन, तो माइनस वन वाला इंक्लूड नहीं है, बाकी सब अभी भी इंक्लूडेड है. अरे माइनस वन नहीं लिया गया है, थ्री लिया गया है इसमें. मर गए क्या भाई? लास्ट फोर्थ. नाउ आई डू नॉट हैव प्रिविलेज, सॉरी. मुझे भी यहां लिखना पड़ेगा. एलिमेंटल सेट, लास्ट इज एलिमेंटल सेट. एलिमेंटल सेट इज डिनोटेड बाय, सिंबॉल यूज्ड इज कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस क्या है कि बिल्कुल एकदम उसने धमकी दे दी कि मैं संन्यास ले लूंगा. ऐसा थोड़ी होता है, तुमने साला छोटे वाले को बुला लिया, बड़े वाले को मंजला रह गया. तुम मंजला नाराज हो गया था भाई, मेरे को भी तो लो. तो फिर एक नई चीज डेवलप करी गई, एलिमेंटल सेट. ये बहुत मजेदार चीज है. ये इसको बहुत खुश किया गया भाई साहब, बाद में आया ना, इसे बहुत खुश किया गया. साला तुम्हारे बीच में सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, तुम्हारे बीच में सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, जबकि एलिमेंटल सेट में कितने भी लोग आ सकते हैं. ध्यान देना डिफरेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, 4, 10. ये वाले जो इंटरवल थे ना, अभी जितने भी हमने इंटरवल पढ़े, सुन रहे हो क्या भाई? ओपन क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये जो सारे इंटरवल है, कंटिन्यूअस इंटरवल,
कंटिन्यूस मतलब माइनस वन से थ्री के बीच में। किसी ने पूछा भाई साहब कितने रियल नंबर है, सॉरी इट्स कंटिन्यूस इंटरवल भाई, माइनस वन से तीन के बीच सारे नंबर लिए गए यानी कि इनफाइनाइट है, ठीक है। जबकि एलिमेंटल में आई कैन टेल कि कितने एलिमेंट्स हैं या कितने नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे इस वाले सेट में कितने नंबर हैं भाई, सामने दिखाई दे रहे ना भाई, x belongs to 1, 2, 4, 10 का मतलब x is a number which is either equals to 1 or 2 or 4 or 10। x एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 के बराबर या 2 के बराबर या 4 के बराबर या 10 के बराबर। एलिमेंटल सेट का मतलब एलिमेंटल में मतलब इसमें कर्ली ब्रेसेस में जितने जितने नंबर लिखे हुए हैं x वास्तव में उसके बराबर है। इन केसेस में उसके इंटरवल में होता था, कंटिन्यूस इंटरवल है, ठीक है। अगर इसे इंटरवल बोलना है तो वी कैन कॉल दिस डिस्क्रीट इंटरवल। कैसा इंटरवल? डिस्क्रीट। एलिमेंटल सेट में जो भी नंबर आएंगे वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स होंगे। डिस्क्रीट का मतलब होता है जुदा जुदा जुदा, जिन्हें कंबाइंड करके किसी इंटरवल को फॉर्म नहीं किया जा सकता। इन्हें कंबाइंड करके इंटरवल फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इंटरवल में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं भाई, इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनके अंदर तो फाइनाइट नंबर्स दिख रहे हैं जो नंबर्स। क्लियर है? क्लियर है? तो ये एलिमेंटल सेट लास्ट जो नंबर लिखे जाएंगे वही हैं, उनके बीच का कुछ नहीं है। थोड़ी देर तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से लिखूंगा, फिर मैं कह रहा सभ्य तो भूल जाता हूँ, खुद ही हो ही नहीं पाता। हाँ मैं अच्छा लिखता हूँ, मुझे पता है। थैंक यू। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ज्यादा अच्छा लिख देता हूँ। देख ऐसा है, राइटिंग जैसी भी लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सही रहती, समझे? उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गोता मार जाता हूँ, फिरंगी घुमा फिरा के इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी स्पेलिंग आती नहीं है, इसलिए वो घुमा फिरा के लिखते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आया साला। डॉक्टर भी तो इसलिए लिखते हैं, उनको कौन सी स्पेलिंग याद है? यूनियन एंड इंटर। अभी तो इतनी दवाइयों के नाम कहाँ से याद होंगे भाई, कुछ नहीं, इनिशियल लिखते हैं बस, स्टार्टिंग आगे का और पीछे का बस खत्म, बात और क्या। तुम्हें दवाई का नाम याद होना चाहिए। अब रोलीडॉक्सॉन, अब रोलीडॉक्सॉन की स्पेलिंग कौन भाई, RON कदम, बाकी बीच का समझता रहे खुद ही। इसलिए तो कई बार पूछता है मेडिकल वाला, बीमारी क्या है भाई ये तो बताओ इसलिए तो पूछता है, उसको पता ही नहीं दवाई क्या लिखी मजाक कर सेंसिटिव हो गया तो उसे पता होता है भाई। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, लो साहब यूनियन, सिंबल जो है इट्स यू। यू क्या है भाई? यू मतलब यूनियन है ना। यूनियन का देसी भाषी मतलब जो है, ये क्या बनाया भाई मैंने, ए बनाना था, ए लेट गया साला। हाँ यूनियन का देसी भाषी मतलब जो होता है वो होता है एडिशन, ठीक है, जोड़ जिसे कहते थे हम लोग बचपन में, है यूनियन मतलब एडिशन। यूनियन परफॉर्म कैसे होता है सुनो, है ना, अय्या चलो एक सेकेंड, हाँ मैं लिख के आ रहा हूँ, ये भी तो लिखूँ। यूनियन का मैंने मीनिंग लिखा, ये क्या लिखा? मीनिंग। मेरे पास लेफ्ट साइड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने राइट में लिखा, आपके पास जगह हो तो आप लेफ्ट में लिखिए। ये तो वो मीनिंग, ये क्या है, ये है सिंबल। किसी ने पूछा कब यूज होता है, इंग्लिश में व्हेन इज टू बी यूज्ड, है ना। हमने बोला भाई साहब जब भी स्टेटमेंट में, सुन लो, जब भी स्टेटमेंट में और शब्द का इस्तेमाल होता है, किसका? और, हिंदी में या, और इंग्लिश या फिर हिंदी में या,
का इस्तेमाल जब होता है तब यूनियन का इस्तेमाल होता है, तब यूनियन किया जाता है या यूनियन परफॉर्म किया जाता है। यूनियन क्या है? ये बहुत सी चीज है। यूनियन एक ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन, जो कि एक से ज्यादा सेट या इंटरवल, एक से ज्यादा सेट या इंटरवल पर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है भाई? जब उन सेट या इंटरवल के बीच में और शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो। और शब्द का मतलब या तो ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे पास्ट से इसे रिलेट करने की कोशिश करें, पास्ट में हमने ये काम कर चुके हैं हम लोग। ये अलग बात है कि मास्टर ने बताया नहीं था, लेकिन हम कर चुके हैं। जब हमने मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व किए, तब हमने हमारी रियल नंबर लाइन को कुछ टुकड़ों में बांटा, कभी दो टुकड़े, कभी तीन टुकड़े, चार तक शायद हम पहुंचे ही नहीं। पहुंचे? नहीं पहुंचे। तीन मॉडुलस लगाए नहीं मास्टर ने, साला कहां से पहुंचोगे? नहीं पहुंचे ना। तू कहां से टेंट कर रहा है गुलाबचंद? तूने तो मॉडुलस देखा ही नहीं। तू कैसे ऐसे कर रहा है? ये ले मॉडुलस, देखा तूने? जबरदस्ती लगा हुआ देखने थोड़ी होता है। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व कैसे करते हैं ये तो बताओ ना। चाहिए पागल आदमी। लो सुनो तो, याद करो उन दिनों को जब हम लोग रियल नंबर लाइन को टुकड़ों में बांटा करते थे। सुन रहे हो क्या यार? तब हम लोग क्या बोलते थे? सुनना, जैसे माइनस वन और जीरो टुकड़ों में बांट दिया, सही है, तो हम बोलते थे ना केसेस। क्या बोलते थे? केस वन, एक्स जब माइनस वन से छोटा है। केस टू, एक्स जब माइनस वन से जीरो के बीच में है। केस थ्री, जब एक्स जीरो से बड़ा या बराबर है। इस तरह से मैंने अपनी रियल नंबर लाइन को तीन टुकड़ों में बांटा। व्हेनेवर आई मेक केसेस व्हेनेवर आई मेक, इसे तो आप क्लासमेट में भी लिख सकते हो। लिख लो, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ऑलवेज। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। व्हेनेवर आई मेक केसेस, क्लासमेट का मतलब समझ में नहीं आया तुम्हें अनमोल? जब तक गिर लोगे तुम बिल्कुल। तुमने क्या बोला फिर? तुमने क्या सुना? तुम भगवान को प्रसाद चढ़ाया करो डेली। भगवान मेरे को दिमागी रूप से सही रखे। और नहीं तो सही में गिल। व्हेनेवर आई मेक केसेस आई ऑलवेज टेक यूनियन ऑफ दोज केसेस। आई ऑलवेज टेक यूनियन ऑफ दोज केसेस। मैं अपने आप से ये प्रण लेता हूं कि मैं जितनी बार भी, अभी लिखना नहीं है, मैं जितनी बार भी इस पेज को क्रॉस करूंगा इस लाइन को अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है, ये तो मतलब दिमाग से ही नहीं निकलना चाहिए। तेरे को अगर ये लाइन पढ़नी याद रहेगी गेल से पे, तो तेरे को वैसे ही वो पढ़ना याद रहेगा चंपू। जब भी मैं इस पेज से निकलूंगा, तेरे को भी क्लासमेट का मतलब पता नहीं है ना, तुम पिटोगे साला मेरे से आज। क्लासमेट मतलब क्या होता है? ले भाई कैच कर, दे दे। जब भी मैं केस बनाता हूँ तो मैं हमेशा उनका क्या लेता हूँ? यूनियन लेता हूँ। अब पहले तो यूनियन परफॉर्म कैसे किया जाता है ये समझ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने दो सेट लिए। सेट एक्चुअली क्या है? ऑफिशियली तो आप लोगों के 11th के उसमें कोर्स में है ऑफिशियली तो, लेकिन हम लोग 12th में पढ़ाते हैं। अब वो हमारी इच्छा है। ए इज अ सेट विच कंटेन्स फोर एलिमेंट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ए सेट, बहुत रद्दी आइटम है। ये देखो ना भैया, ये दिस इज सेट,
कर्ली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेट करके कुछ एलिमेंट लिख देना है सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. एक बी मैंने एक सेट लिया जिसमें मैंने 2, 4, 6 लिए, ठीक है, तीन एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए, ए के अंदर मैंने एक एलिमेंट ले लिया. अब अगर किसी ने मेरे से ए यूनियन बी पूछा, ए यूनियन बी, ठीक है, कभी कभी लोग बाग इसे ए और बी भी लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी लोग इसे ए प्लस बी भी लिख देते हैं. इन सब का एक ही मतलब है. अभी ए प्लस बी का मतलब वो नहीं है गेंद सिप्पे की तरह बचपन में जो हम जोड़ते थे, इट्स नॉट एडिशन. अरे ऐसे के एलिमेंट थोड़ी जोड़ दोगे, वो तो चार है इधर तीन है, फिर रोगे साला चौथे को किसमें जोड़ू. इट्स नॉट एडिशन ऑफ एलिमेंट्स, इट्स एडिशन ऑफ सेट. ठीक है, एडिशन मीन्स यूनियन कब यूज होता है, जब और. ये सारी चीजें मैंने इसमें लगा दी, ठीक है. अब इस और का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि एटलीस्ट एक सेट का एलिमेंट है, एटलीस्ट एक सेट का एलिमेंट, समझना. वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि कम से कम एक सेट में पाए जाते हैं. कम से कम एक सेट का मतलब क्या हुआ, दोनों में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, या एक में भी. जैसे 1 लेना है, नहीं लेना, लेना है. 2, 3 लेना है. 4, 5 दोनों में नहीं भाई, दोनों में ही नहीं, 6 लेना है. लेकिन वो सभी एलिमेंट जो कम से कम एक सेट में पाए जाते हैं ए यूनियन बी में लिए जाएंगे. समझ रहे हैं, समझ रहे हैं. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे सेट लिख के कोई यूनियन पूछता ही नहीं है. ये तो बहुत आसान है भाई, ठीक है. यूनियन किस में पूछा जाता है, यूनियन पूछा जाता है जब इंटरवल्स लिखे हों. क्या लिखे हों, क्या लिखे हों, इंटरवल्स. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज मैंने 3 इंटरवल लिए, x बिलोंग्स टू -5 ओपन टू 10 ओपन, y बिलोंग्स टू -2 क्लोज टू 12 क्लोज एंड z बिलोंग्स टू, बहुत ध्यान से समझना भाई, z बिलोंग्स टू -∞ टू 5 क्लोज. ये है सपोज, ठीक है, या 5 नहीं 15 क्लोज, ठीक है. अब मेरे से कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए. क्या क्वेश्चन पूछे गए देखना, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया x यूनियन y, y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z. पहले तो यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरवेल्स का. इंटरवेल्स का यूनियन लेने के लिए मैंने क्या कर रखा है, जितने भी नंबर आपको इस पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मेरे को फर्स्ट में x यूनियन y लेना है, यानी कि इसका और इसका यूनियन लेना है. जितने रियल नंबर इस पे नजर आ रहे हैं, कितने रियल नंबर नजर आ रहे हैं x यूनियन x और y में, कितने रियल नंबर नजर आ रहे हैं, नजर इंटरवेल्स में 4 -5 -2 10 और 12, 4 रियल नंबर दिखाई दे रहे हैं. इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, -5 -2 10 और 12, समझ रहे हो क्या. फिर मेरे को क्या करना है, फिर मुझे ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं इन्हें प्लॉट करना है. ये जो सॉल्यूशंस हैं इन्हें, अभी इसीलिए तो सिखा रहे थे भाई इंटरवल प्लॉट करना. क्या मैं -5 से 10 ओपन प्लॉट कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स दो यार. चलो साहब -5 पे जाके हॉलो मारूँ, सॉलिड मारूँ, हॉलो 10 तक भागे, 10 पे क्या मारना है, हॉलो, फिर उसके बाद नीचे आ गए, निपट गए. अच्छा लो सुनो, वाई वाला -2 क्लोज टू 12 क्लोज, -2 पे ऊपर आ गए, क्या मारूं, ट्वेल्व पे जाके सॉल्व. ये स्टोरी है भाई, ठीक है. अब मुझे इनका यूनियन करना है,
यूनियन मतलब मुझे वो सारे नंबर लेने हैं जो या तो एक्स में पाए जाते हैं या फिर वाई में पाए जाते हैं। ये या बहुत बढ़िया चीज होती है। या मतलब सुनो, या तो एक्स में या फिर वाई में या दोनों में, या तो एक्स में या वाई में या दोनों में, या तो एक्स में या फिर वाई में या फिर तीन बातें हैं। या तो एक्स का सदस्य होना चाहिए या वाई का सदस्य होना चाहिए, और दोनों का हो तो बहुत ही अच्छा भाई, क्योंकि मैंने तो कम से कम एक में माना था। यूनियन मीन्स कम से कम एक में होना, एटलीस्ट एक एलिमेंट का सदस्य, एक सेट का सदस्य है ना, या एक इंटरवल का सदस्य जब इंटरवल फॉर्म में दिया गया हो। तो भैया इनका जब यूनियन लेना था तो लोगों ने बोला एक काम करो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जहां जहां पे आपको ये लाइनें मिली है, लाइनें कहां मिलती है, जहां सॉल्यूशन है, ठीक है, जहां जहां आपको लाइनें मिल रही है उन सबको कलेक्ट करते हुए चलो, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से भागता हुआ आया, जंगल 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 जंगल, बात चली है, पता चला कुछ नहीं है, सन्नाटा है भाई। अरे माइनस फाइव तक तो सन्नाटा है ना, दुकान कहां से चालू हुई है, कहां से चालू हुई है, माइनस फाइव। अच्छा माइनस फाइव पे हॉलो है कि सॉलिड है, हॉलो मतलब ओपन लगाऊं क्लोज लगाऊं, ओपन। माइनस फाइव से मिलते जा रहे मिलते जा रहे मिलते जा रहे मिलते जा रहे, माइनस टू पे थोड़ी देर रुका, ऐसे पर्वत जैसा मिला कोई, अभी मिट्टी डली पड़ी थी ना तो पर्वत जैसा मिला, रुका थोड़ी देर, लेना है नहीं लेना पूछा मैंने जाके, इनसे पूछा, इससे पूछा, तेरे पास माइनस टू है क्या, बोला इसने है। वैसे तो मैं तभी खुश हो गया था क्योंकि जब मेरे पास एक्स पे मिल गया माइनस टू तो वाई से वैसे पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूछ लिया, चलो तेरे पास माइनस टू है, दोनों के पास है भाई, जंपो बम्पर ऑफर है, तो और आगे चलते गए, सही है। फिर टेन पे रुके थोड़ी देर के लिए, देखना जरा टेन पे रुके, टेन पे तेरे पास टेन है, नहीं है, नहीं है, फिर इससे पूछे तेरे पास टेन है, हाँ है, तो क्या करें, लें कि नहीं लें, लें तो फिर आगे बढ़ो। अभी तो ले मतलब तोड़ना नहीं है ना, इसे लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, लेते कहां तक पहुंचे, ट्वेल्व तक। अब ट्वेल्व पे होलो सॉलिड, सॉलिड यानी कि लेना है, फिर भी पूछ लो, ट्वेल्व तेरे पास है, नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे पास है, हाँ है, तो लेना है। किसी भी एक के पास अगर कोई नंबर है तो वो मुझे सारे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको इधर जबरदस्ती दिखाया, इधर आके पूछूंगा नहीं, मेरे को सारी चीजें इस फोटो के अंदर नजर आनी चाहिए। अगर मैंने डायग्राम ढंग से बनाया है तो मुझे सारी चीजें उसी में दिख जाएगी। मुझे माइनस फाइव से लेके ट्वेल्व तक कहीं रुकना ही नहीं था भाई, ये तो मैंने जबरदस्ती रुक के आपको बताया, बिना मतलब कि स्टॉपेज लेके, कोई जरूरत ही नहीं। माइनस फाइव पे हॉलो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ट्वेल्व पे सॉलिड यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ये ओपन ये क्लोज, समझ में आया नहीं है, है? इतना मुश्किल तो नहीं है क्या? वाई यूनियन जेड और बता रहा हूँ, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड आप बताओगे मेरे को। वाई यूनियन जेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए, ठीक है। लो सुनो, सबसे पहले रियल नंबर लाइन बनाई, वाई और जेड में जितने भी रियल नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने इस रियल नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लॉट किया। कितने रियल नंबर दिख रहे हैं, कितने, चार दिख रहे हैं, आंखें फोड़ लो अपनी, अगर आपको चार दिख रहे हैं तो चौथा कौन सा भाई, तीन ही दिख रहे हैं मेरे को तो। माइनस इन्फिनिटी को प्लॉट करोगे क्या इस पे, यही क्या माइनस इन्फिनिटी को प्लॉट करेगा इस पे, माइनस टू ट्वेल्व और फिफ्टीन, गेलशिप पे लोग होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या क्या पागलपंती है भाई, माइनस इन्फिनिटी क्या लॉजिक, पता ही नहीं है भाई किसी को, ऐसी चीजें लिखी थोड़ी जाती है। हाँ भाई, पहला सॉल्यूशन माइनस टू सॉलिड, सॉलिड से ट्वेल्व सॉलिड, सही है। दूसरा सॉल्यूशन मस्त है, माइनस इन्फिनिटी से लेके फिफ्टीन तक। अब माइनस इन्फिनिटी कहाँ है भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एक्सट्रीम लेफ्ट से आएगी रे, एक कहां तक आएगी, हैं, पंद्रह तक, और पंद्रह पे क्या मारेगी, सॉलिड मारेगी। तो मैंने क्या, मैंने तो पंद्रह से शुरू किया, मैंने क्या किया, पंद्रह से शुरू किया, पंद्रह पे सॉलिड मार के माइनस इन्फिनिटी तक पीछे तक चला गया, समझ रहे हो क्या। अब इस आंसर को लिखें कैसे, समझ लो इस आंसर को लिखें कैसे, माइनस इन्फिनिटी से भागते आ रहे तो भागते रहे, आंसर मिलते जा रहे हैं भाई, कहाँ से शुरू हुए आंसर, माइनस इन्फिनिटी से आंसर शुरू हो गए, देखो ये हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए, ये लेना 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 लेना, कहाँ तक, 15 तक सारे आंसर लेने सॉलिड, 15 तक सारे आंसर लेने थे भाई,
इसके आगे कुछ नहीं है, 15 पे क्लोज, क्यों? क्योंकि सॉलिड सर्कल है। कुछ समझ में आया नहीं है, हैं? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड की फोटो बनाओ और आंसर दो। तो मुझे लग रहा है कि आंसर तो यही आएगा। कुछ और पूछना चाहिए था, चलो कोई नहीं, पहले सही था पांच, पहले पांच लिखा था ना वही सही था, चलो कोई नहीं, जल्दी करो फटाफट फास्ट, समय सीमा समाप्त होने वाली है अपनी। मेरे पे तो प्रिविलेज है ना, तो मैं तो यूज करूंगा भाई, क्या कर सकते हैं। लिखूं, इंटरसेक्शन सिंबल उल्टा यू, उल्टा यू, समझ लो पहले, बाद में छाप लेना यार। मीनिंग मीनिंग कॉमन लेना, कॉमन नंबर्स चूज करने हैं। कब यूज किया जाता है भाई? ये यूज किया जाता है जब एंड शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका? एंड शब्द का इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, इनका जब इंटरसेक्शन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? इंटरसेक्शन ए एंड बी। तो ये पूछा जाता है कि ऐसे एलिमेंट बताओ जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कि कॉमन ऑफ दोस टू, ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी पाए जाते हैं और बी में भी पाए जाते हैं। तो भैया इसका आंसर तो बहुत सिंपल है ना, दोनों में होने चाहिए, वही एलिमेंट लिए जाएंगे, सिर्फ दोनों में होंगे वही एलिमेंट लिए जाएंगे। जब ये बात पहली बार बोली गई ना, तो जो थोड़े से समझदार लोग थे उन्हें एक चीज समझ में आई, क्या ए यूनियन बी में तो ए इंटरसेक्शन बी आ ही रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी में हम वैसे नंबर ले रहे थे जो कम से कम एक में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों वाले भी ले रहे थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही ले रहे हैं जो दोनों में है, यानी कि यूनियन ऑलवेज कंप्राइजेज द आंसर्स ऑफ इंटरसेक्शन, यूनियन ऑलवेज कंप्राइजेज द आंसर्स ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ समझ में आया नहीं आया? नहीं आ रहा है, बट इंटरसेक्शन हैज लेस आंसर्स, क्योंकि बिकॉज इंटरसेक्शन इज इन सर्च ऑफ कॉमन वैल्यूज। इंटरसेक्शन किसकी सर्च में भाई? कॉमन, कॉमन मतलब ए में भी पाए जाने चाहिए और बी में भी पाए जाने चाहिए। तो वन वन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो एलिमेंट, क्योंकि यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में पाए जा रहे हैं। क्लियर क्लियर? जैसा हमने पहले कहा, ऐसे कोई पूछता ही नहीं है, सेट देके कोई नहीं पूछेगा यूनियन इंटरसेक्शन, बेर मिनिमम भी पूछेगा तो इंटरवल देके पूछेगा, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है अब इनइक्वलिटीज वाले चैप्टर में। हमें इंटरवल मिलेंगे, हमें यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन सीखना है। एक्स और वाई का अगर मेरे से कोई इंटरसेक्शन पूछता है, क्या पूछता है? इंटरसेक्शन। काम मुझे डिट्टो वही करना है, क्या? दोनों को एक रियल नंबर, दोनों सॉल्यूशंस को एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और क्या ढूंढना है? उनका कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। एक्स और वाई को प्लॉट करने के लिए कितने रियल नंबर नजर आ रहे थे? चार, माइनस फाइव, माइनस टू, टेन और ट्वेल्व। पहला सॉल्यूशन एक्स कहाँ से कहाँ प्लॉट होगा? माइनस फाइव हॉलो, जल्दी, टू टेन हॉलो। बहुत ध्यान से सुनना, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरा आंसर, मास्टर तूने पहले वाला क्यों मिटाया? पहले वाला मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि अब की बार देखो ध्यान से, मैं एक अलग लेयर पे लिख रहा हूं,
पिछली बार मैंने एक ही लेवल पे लिखे थे सारे आंसर, अब की बार मैं अलग अलग लेवल बना रहा हूं। क्यों? बहुत रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि मुझे क्लियर कट कॉमन जगह दिखाई देगी। पूरी रियल नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ ये एक ऐसा पोर्शन है जहां आपको ऑरेंज लाइन भी दिखेगी और रेड लाइन भी दिखेगी। सही है? इसका क्या मतलब हुआ? इस दरमियान वो नंबर हैं जो एक्स में भी पाए जाएंगे और वाई में भी पाए जाएंगे। कॉमन सेंस है ना भाई, रटने की थोड़ी ये चीज, लॉजिकल चीज है। ठीक है, कहां से शुरू हुए आंसर बताओ जल्दी। माइनस टू इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड? क्योंकि ऑरेंज ने भी बोला ले लो और रेड ने भी बोला ले लो, तो हमने ले लिया। से टेन एक्सक्लूडेड, यानी कि ओपन। क्यों? क्योंकि इसने मना कर दिया भाई। एक आदमी भी अगर मना कर देता है इंटरसेक्शन में तो वो नंबर नहीं लिया जा सकता, सब राजी तो नंबर लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपको अपने से क्या करना है इसमें, वाई इंटरसेक्शन जेड और एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड।